जिला कांगड़ा में महिला व पुरुष कांस्टेबल के 265 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। यह भर्ती प्रक्रिया 7 जुलाई तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। 265 पदों में से पुरुष वर्ग के 178 व महिला वर्ग के 52 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। वहीं चालकों के 35 पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग के DIG संतोष पटियाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर इस बार जहां पहली बार डिजिटल प्रक्रिया के दौरान भर्ती करवाई जा रही है, इस बार भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं को मैदान में किसी भी डॉक्यूमेंट को लाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भर्ती होने से इस बार मोबाइल के माध्यम से युवाओं को मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग अगले साल होने वाली भर्ती को बायोमेट्रिक मशीन से करवाने का विचार किया जा रहा है। संतोष पटियाल ने कहा कि इस बार तो पेपरलेस भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन अगली बार पूरी कोशिश रहेगी कि पुलिस भर्ती बायोमेट्रिक के तरीके से हो। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जल्द ही तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। बायोमेट्रिक से करवाने का कोई प्रयास है, ऐसी कोई योजना है? इस साल तो नहीं है, इस साल तो हम उनको हालांकि पेपरलेस तरीके से भर्ती कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज है पाइपलाइन में कि बायोमेट्रिक मशीन यूज करें, जिससे कि इम्पर्सोनेशन का स्कोप कम क्या मतलब जीरो हो जाता है।